देश और प्रदेश में 14 अप्रैल यानी शुक्रवार को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह पर कार्यक्रमों को आयोजित करके उन्हें याद किया गया। अंबेडकर जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं इस जयंती को मनाने के पीछे एक वजह और भी है। भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था जो जाति और धर्म की परवाह न करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। बेडमा में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। नगर के प्रमुख चौराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर द रॉयल अंबेडकर फोर्स बैटमा व कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नगर के कई गणमान्य नागरिकों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण पश्चात सभी ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रतिमा स्थल को आकर्षक विद्युत बल्बों से सजाया गया जो रात्रि के समय मनमोहक दिखाई देता है। वहीं इस अवसर पर द रॉयल अंबेडकर फोर्स बैटमा ने एक विशाल चल समारोह निकाला जो मंडी प्रांगण से शुरू होकर राजबाड़ा चौराहा, पूरा बाजार, त्रिवेणी चौक, अंबेडकर मार्ग, आवास कॉलोनी, सागर रोड होते हुए अंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचा, जहां अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जोरदार पुष्प वर्षा की गई। चल समारोह में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं की टोली वाहन रैली के रूप में आकर शामिल हुई। चल समारोह का नगर में कई स्थानों पर मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती का आयोजन द रॉयल अंबेडकर फोर्स बेटमा इंदौर मध्य प्रदेश की ओर से प्रति 5 वर्ष से मनाया जा रहा है, जिसमें बेटमा में बाबा साहब अंबेडकर का चल समारोह बड़े धूमधाम से निकाला जाता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण जन जो अपने दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को और हमारे उन तमाम महापुरुषों को मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिन्होंने कहा है शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि विश्व में सबसे ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष जो हैं, हमारे 200-300 साल के रिकॉर्ड में जो हमने वो अमेरिका की जो संस्था है उनने निकाला, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर को पूरे विश्व में सबसे नंबर वन पे शिक्षित व्यक्ति और महाविद्वान माना है। ऐसे ही हमारे बड़े लिए गर्व की बात है और हम उनके मिशन को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को, शिक्षा, संगठन और संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज के युवाओं को नशा मुक्त रहने का, शिक्षा की ओर अग्रसित रहने का और हर समाज को आगे बढ़ाने का हर वो कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जो कि बाबा साहब अंबेडकर और हमारे तमाम महापुरुष कहकर गए हैं। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि आज बेटमा में भव्य जो चल समारोह निकाला गया, जिसमें सभी द रॉयल अंबेडकर फोर्स के साथी जो गांव-गांव से आए उनका भी धन्यवाद हो, जिन्होंने हमारे बेटमा के बुद्धिजीवी साथी जो बाबा साहब अंबेडकर उनकी विचारधारा को मानते हैं, उन्होंने भी जगह जगह बाबा साहब अंबेडकर के चल समारोह को सम्मान में पुष्पमाला और हार फूल से स्वागत रखा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सारे जो टीम के लोग हैं उनका धन्यवाद। इसी के साथ बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। एक बार जय भीम का नारा लगा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बेटमा नगर की समस्त जनता को भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, उनको बधाई। भीमराव अंबेडकर जी का आज हम सभी लोग 132वां जन्मदिवस मना रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक बहुत अच्छा संविधान दिया है जो एक राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे पहले जो संविधान दिया उस संविधान में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है और छोटे से लेकर बड़े को सभी को सम्मान दिया है। आज भीमराव जी अंबेडकर जी के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं और अनुसूचित जाति वर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस हमेशा बाबा साहेब का नाम का उपयोग करती है, जिस प्रकार से महापाप कांग्रेस ने चुनाव हराने का किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया था। पहले कानून मंत्री थे हमारे देश के, लेकिन नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। इतना प्रताड़ित अंबेडकर जी को करा था कांग्रेस ने। और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आज अनुसूचित जाति वर्ग का विकास हो रहा है तो कुछ असामाजिक तत्व जैसे भीम आर्मी के नाम पे या बहुत देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं और सभी आज सभी वर्ग का विकास हो रहा, सबका साथ सबका विश्वास, और ये मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं तो
उनकी 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में यही बात कहूँगा कि उन्होंने जो संविधान निर्माण किया था, उस संविधान में जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया, सामाजिक समरसता और कई चीज़ें जो हैं, उन सब चीज़ों पर चल करके जैसा उन्होंने बताया है संविधान में, उस संविधान का हम लोग पालन करें। कई लोग संविधान अपने हित में हो तो ठीक है, अहित में हो तो उसको मानने से कई लोग इनकार करते हैं। मेरा एक ही सोच है कि संविधान में जो चीज़ है उसको हम पूरी तरह से पालन करें और भीमराव अंबेडकर जी के प्रति तभी सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चे सिद्धांत पर चलने की बात होगी तब हम जब हम संविधान का पूरी तरह पालन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।